और अब बात करते हैं भारत में चल रही शीतलहर की। कोहरे और शीत लहर की चपेट में है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में घना कोहरा भी देखा जा सकता है। तो शीत लहर की चपेट में है पूरा उत्तर भारत। कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी। और ये चार तस्वीरें देखिए उत्तर भारत में किस तरीके से इस वक्त शीत लहर चल रही है, घने कोहरे की चपेट में है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तर भारत के अलग अलग इलाके वो देखिए। मुरादाबाद में 6 डिग्री पहुंच चुका है तापमान। बरेली में 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली की बात करें 7 डिग्री तापमान। और हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है जो आने वाले कुछ घंटों में भी होती रहेगी, जिसके बाद मैदानी इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। तो पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और अलग अलग जगहों पर इस वक्त मौसम का क्या हाल है वो बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। खालिद हुसैन हमारे साथ श्रीनगर से हैं, आदित्य हमें दिल्ली का हाल बताएंगे, शुभम भी हमारे साथ लखनऊ से हैं, रुपेंद्र होंगे पटना से। और सबसे पहले रुपेंद्र आपसे ही जानते हैं, बिहार में इस वक्त शीतलहर को महसूस किया जा रहा है, पटना में क्या हालत है इस वक्त, क्योंकि स्कूलों को भी 31 दिसंबर तक के लिए बंद किया गया है। फिलहाल पटना की हाल बताएं तो पटना के हाल में ये है कि आपको गुलाबी धूप जो है खिला हुआ है। और पूरे बिहार के तापमान की बात करें तो आपको न्यूनतम तापमान जो है 11 डिग्री सेल्सियस तो 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है। तो इस तरह से देखा जाए कि बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर जो है धूप अभी तक नहीं निकल पाई है और शीतलहर के चपेट में है। लेकिन पटना जो है आज देखा जाए सुबह सुबह जो है गुलाबी धूप निकली हुई है और पटना के लोग जो है कहीं ना कहीं सर्दी से जो है जरूर है राहत महसूस कर रहे हैं। तो आज पटना में राहत महसूस की जा रही है, गुलाबी धूप यहाँ पर लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कोहरा बहुत ज्यादा है, दिल्ली के लोगों का इस वक्त क्या हाल है बताइए आदित्य। और दिल्ली से आदित्य बताएंगे कि क्या है मौसम का हाल। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोग इस वक्त मौसम का मजा ले रहे हैं या मौसम सजा बना हुआ है, ये जानने के लिए शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, लखनऊ में क्या तापमान है इस वक्त और मौसम कैसा है? तो मौसम का हाल बताने के लिए मेरे दो सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं और लखनऊ से, दोबारा उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मौसम का क्या हाल है, लोग क्या कह रहे हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन आप ये चार तस्वीरें फिलहाल देखिए। मुरादाबाद में 6 डिग्री है तापमान, दिल्ली में 7 डिग्री है, बरेली 5 डिग्री पर पहुंच गया है और हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है। शुभम से दोबारा कनेक्ट हमने किया है। शुभम, लखनऊ में इस वक्त कैसा मौसम है? जी, बीते करीब हफ्ते भर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। आज की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ का सबसे ज्यादा ठंडा दिन है। सुबह से ही शीतलहर चल रही है जिसकी वजह से लोग गर्म कपड़े और आग का सहारा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान आज 7 डिग्री सेल्सियस सुबह 9 बजे के आसपास भी बना हुआ था, जिसकी वजह से लोग ठंडक से काफी ज्यादा परेशान है और जब बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरीके से अपने कानों को ढक करके कई सारे गर्म कपड़ों को पहन करके
लेके निकल रहे हैं। करीब बीते करीब हफ्ते भर पहले इतनी ठंडक नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे कुछ दिसंबर के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, साल के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग इलाकों में ठंडक बढ़ती जा रही है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई प्रदेशों कई जिलों में भी ठंडक और तापमान में लगातार गिरावट देखी गई है। राजधानी लखनऊ में भी बीते करीब 2-3 दिन से ठंडक काफी ज्यादा बढ़ी है। राहत की अगर बात हम करें तो नगर निगम और प्रशासन की तरफ से अलग अलग जगहों पर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो लोग ठंडक से परेशान है उनको कुछ राहत दी जा सके। हालांकि लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि सूर्य देवता के उन्हें जल्द से जल्द दर्शन हो और इस ठंडक से, इस शीतलहर से लोगों को राहत मिले। जी शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो मैदानी इलाकों में पड़ने वाली भीषण ठंड की वजह पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में चिल्लाई कलां की शुरुआत से तापमान लगातार गिर रहा है। हालांकि घाटी में घूमने आ रहे पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। पर्यटकों की सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक गुलबर्ग में सोमवार को न्यूनतम तापमान -5 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान जीरो से नीचे होने की वजह से जहां गुलमर्ग में झरने जमने लगे हैं, तो वहीं श्रीनगर में मशहूर डल झील के ज्यादातर किनारे जम गए हैं। यही हाल कश्मीर के बाकी झील झरनों का भी है। काफी ठंड है सर इस वक्त कश्मीर में, तो पीछे भी आप देख रहे थे पूरा फ्रीज हो रहा है यहाँ। -5.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सोमवार को पहलगाम सबसे ठंडी जगह रहा। वहीं मौसम विभाग ने कश्मीर में 31 दिसंबर तक बर्फ और बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके बाद हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। ऐसे में बर्फबारी देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।